दीप जलाने से पहले लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए? हर हर महादेव, नामी है यमदीप। तो यमदीप जलाने के लिए सबसे पहले समय को देखा जाता है और ये कब जलाया जाए इसका निर्धारित पहले से तय है। तो दिवाली के एक दिन पहले यमदीप जलाया जाता है संध्या काल में, वो भी संध्या के कुछ घड़ी के बाद, 8 बजे 9 बजे इस तरह आप जलाइए। तो कब जलाइए? तो छोटी दीपावली, दीपावली के एक दिन पहले या धनतेरस के बाद, सदा याद रखिएगा। इस यम दीप को जलाने का जो तरीका है, यह सबसे पहले आपको हमारे यहाँ जो बिहार में हम लोग जो मनाते हैं, यह गोबर का दिया बनाया जाता है। हमारे माता लोग गोबर का दिया बनाता है और कहीं कहीं हम लोग यह देखते हैं कि अलमिट्टी का भी दिया लोग बना के ये जलाता है। तो मैं जो अपनी माँ को देखते आ रहा हूँ, मैं उसके बारे में सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि यह दिया दक्षिण दिशा की ओर मेरी माँ जलाती है और वो भी सरसों का तेल में जलाती है। तो दिया जो है गोबर का हमारी माता श्री वो बनाती है, उसमें 4 बत्ती या 1 बत्ती अवश्य देती है, या तो 1 बत्ती या 4 बत्ती, इस तरह करके आप जला सकते हैं। यह हमेशा याद रखें कि घर के बुजुर्गों के द्वारा यह दिया जलाया जाता है। इसके साथ साथ सरसों का तेल उपयोग होता है और इसे यम दिया के नाम से जाना जाता है। तो यह जलाने का सबसे बड़ा कारण है कि यम क्या करते हैं, यम प्राण ले जाते हैं लोगों का, जो जो प्राण के जो मालिक है लेने का, वो यमराज को दिया गया है। तो यमराज से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, मैं आज के दिन आपकी भी आराधना करता हूँ और आप मुझे अकाल कष्ट, अकाल मृत्यु ये सब से बचा कर रखें और मैं प्रत्येक वर्ष इसी तरह आपके नाम से दिया जलाता रहूँगा। इस दिन को नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि यमराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु नरक की द्वार मेरे लिए मत खोलना, आप स्वर्ग भी आप ही ले जाते हो और नरक भी आप ही ले जाते हो, तो नरक का द्वार प्रभु इस मत खोलना। और इसलिए प्रभु यमराज जी को दिया जला करके हम लोग सुख समृद्धि अपने कष्ट को निवारण के लिए यह दिया जलाते हैं। क्या इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त वगैरह भी टाइम? जी, शुभ मुहूर्त में हमने कहा कि दिवाली से एक दिन पहले छोटी दीपावली को संध्या 7 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे आप जला सकते हैं। जब संध्या 7 बज जाए तब आप जलाइए। और दिया में कोशिश कीजिएगा कि तेल अच्छा से डाल दें, जो कि घंटा 2 घंटा वो चले, तो दिया थोड़ा बड़ा होनी चाहिए। और क्या कुछ महत्व है? तो सबसे पहले यह जो है यम दीप, तो हमने आपको कहा कि यह यमराज जी को हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो दिया जलाते हैं, ये शांति के लिए जलाते हैं। तो यमराज हमारे जो पूर्वज हैं उसका भी सबका प्राण ले गए, सबका तो बॉस हैं बॉस, तो जो हमारे पितर हैं उस पितर के आत्मा की शांति के लिए भी जो आप ले गए हैं, हमारे पितर की भी रक्षा कीजिएगा और उसे नए जगह भेजिएगा जहाँ पर वो शांति ढंग से रह सके और उनका शिव से जन्म हो पाए। इसके साथ साथ यह दिया माता लक्ष्मी का आने का संकेत भी देता है, क्योंकि दिवाली के दिन हम लोग लक्ष्मी घर दलिद्दर बाहर करके हुक्का पाती जलाते हैं और उस दिन माता लक्ष्मी को घर के अंदर करते हैं। तो यह यम का दिया जो है माता लक्ष्मी के आने का संकेत भी दे रही है कि कल जो है माता लक्ष्मी को आपको घर के अंदर करना है और दलिद्दर को बाहर करना। तो यह कई चीज़ों का संकेत देती है, क्योंकि यह काली पूजा है। माता काली जो थी वो दुष्टों का संहार की थी, तो जितने भी दुष्ट सब हैं इस सब का संहार दिवाली के दिन ही हो जाता है, क्योंकि यह दिवाली यम दिया के बाद आता है। आप इन चीज़ों को ध्यान में होगा कि दिवाली के बाद जितने भी कीड़ा फतिंगा सब है जो कि हमारे सराउंडिंग में रहता है, दिवाली के बाद अपने आप सब चला जाता है,
क्योंकि वो कीड़ा फतंगा का जाने का भी एक संकेत है कि यमदीप जब जलेगा इसके बाद उस यमदीप में भी आप देखिएगा कि वहां पर कीड़ा फतंगा सब जाता है और सुबह में आपको हजारों की संख्या में वहां पर मरा हुआ मिलेगा कि आज से ये संहार कीड़ा फतंगा का होना शुरू हो गया क्योंकि यमराज का दीप जल चुका है। और दूसरे दिन से फिर से पुनः माता लक्ष्मी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, माँ काली की जय हो, हर हर महादेव। परिचय पंडित मनोज पल झा महाराज जी हाथा पूर्णिमा।